आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज आपका आधुनिक भारतीय इतिहास का यह दूसरा पार्ट होगा, यह लेक्चर नंबर 2 होगा जो 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम्स के लिए होगा। और इसमें आपको हम पहले बता दें कि आधुनिक भारतीय इतिहास का यह दूसरा टॉपिक है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब जो हमारे भारत में व्यापार के दृष्टिकोण से आए थे। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको यूरोपीय कंपनियों के आगमन के टॉपिक पढ़ा चुके हैं, तो यह दूसरा पार्ट होगा जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे। तो हमारे जितने भी प्रतियोगिता भागी है 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सब लोग के लिए बहुत ही बेहतर क्लास है या अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में। तो यह चैनल को जो पहली बार देख रहे होंगे वीडियो को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको 17वीं बीपीएससी के लिए टू द पॉइंट सभी टॉपिक का नोट्स बनाते हैं और यह नोट्स जो है आपका बहुत ही सिलेक्टेड है, उस बना के उसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं। तो सभी लोग इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक के देखिएगा तो ज़्यादा आपका बेहतर होगा। चलिए, और क्लास भी आपको कभी भी क्वेश्चन जब बनाते हैं आप लोग तो क्वेश्चन पढ़ने में भी आपको आसान होगा और क्वेश्चन समझने में भी आपको आसान होगा, जो आसानी से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। ध्यान दीजिएगा, या अभी हमने आपको पेन और कॉपी के सहारे आपका यह नोट्स तैयार किए जो प्रॉपर आपका जो है 17वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग क्लास में ज्वाइन कर ले और क्लास की जो है सभी लोग फ़ायदा उठाएं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, पहले आपको बता दे कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से जो नियुक्त बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वह थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जो थे वह मुर्शिद कुली खान थे। मुर्शिद कुली खान जो है यह अंतिम गवर्नर थे जिन्होंने 1717 से 1727 ईस्वी तक इन्होंने शासन किए। ठीक, इसने अपनी राजधानी जो ढाका था वहाँ से इन्होंने मकसूदाबाद ले आए। कहाँ पर बनाए? ढाका से मकसूदाबाद कर लिए। कौन? मुर्शिद कुली खान ने। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना है, और हिस्ट्री को ना आप एक स्ट्रक्चर वे में पढ़िए। स्ट्रक्चर एनालिसिस होगा तो आपको समझने में भी आसान होगा और पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो एकदम पूरे स्ट्रक्चर और फॉर्मेट के साथ आप लोग को बताया जा रहा है ताकि आपको परेशानी ना हो। उसके बाद इन्होंने क्या किए ना कि राजधानी ढाका था तो ढाका को कहाँ? मकसूदाबाद बनाए, और नगर एक बनाए जिस नगर का नाम था मुर्शिदाबाद। इस नगर का नाम रख दिया गया था मुर्शिदाबाद। उसके बाद उन्होंने क्या किए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था को उन्होंने आरंभ किए। उसके बाद अलीवर्दी खा 1740 से 1756 ईस्वी तक इन्होंने शासन किए, और यूरोपियों की तुलना में उन्होंने बताएं, अलीवर्दी खां ने बताएं कि यूरोपियों की तुलना में तुलना मधुमक्खियों से की। यूरोपियों की जो तुलना की उन्होंने किससे किए? मधुमक्खियों से किए। तथा उन्होंने बताए कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी। मधुमक्खी क्या है? अगर मधुमक्खी को नहीं छेड़ा जाएगा तो वह क्या? शहद देगी। और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेगी। इन्होंने कौन बताया? अलीवर्दी खान ने बताया। यूरोपियों की तुलना जो है वह मधुमक्खी से
की और इस लाइन का प्रयोग किए कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर क्या कर देती है, मार डालेगी। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दोहत्री सिराजी दौला उत्तराधिकारी बने और वह ब्लैक होल की कथी ब्लैक होल की जो घटना है वह ब्लैक होल की जो घटना वह 20 जून 1756 ईस्वी को सिराजी दौला के समय में हुआ, सिराजी दौला के समय में हुआ था। आगे समझेंगे कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध, प्लासी का जो युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में, उसने प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किए, नींव डाले। कौन कौन डाले थे, जो अभी हमने बताया आपको, या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक, उसके बाद आपका जो है 1757 की युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था, प्लासी के युद्ध जो हुआ वह 1757 ईस्वी में हुआ, प्लासी का युद्ध, और यह प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में जो सिराजुद्दौला के समय में हुआ था, और उस समय जे जेड हॉलवेल जो थे वो शेष जीवित रहने वाले में से एक था, के अनुसार 18 फीट बोला गया है कि 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में उन्होंने 146 अंग्रेज बंदी बंद अंग्रेजी को बंदी बंद कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच गए, बाकी के बाकी जो थे वो सब क्या हो गए, उनकी मृत्यु हो गया। और इसी घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना गया, यही घटना जो था अंग्रेज को जो बंदी बना दिया था 146, और वह रूम की जो साइज था 18 फीट लंबा 14 फीट चौड़ा और 10 इंच 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़ा, उस कक्ष में 146 अंग्रेज को बंदी बंद कर दिए गए और उसमें से अगले दिन देखा गया तो 23 व्यक्ति ही बच पाए और यही घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यही घटना को ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैनी में इनका उल्लेख नहीं किया और भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, भारतवर्ष में जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक हुए वो हुए रॉबर्ट क्लाइव, कौन हुए थे, रॉबर्ट क्लाइव बने, क्लाइव को माना गया, जिसने प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में लड़े और यह बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को उन्होंने क्या करे, नींव डाले। और प्लासी का युद्ध जो था, प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथ नदी के किनारे स्थित हुआ, भागीरथ नदी के किनारे स्थित हुआ। क्लाइव जो थे, क्लाइव ध्यान दीजिएगा, यह क्लाइव जो है भारत में बंगाल के गवर्नर 1757 से 1760 ईस्वी तक और उसके तक रहा और इस दौरान उसने क्या किए कि अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की, सिराजुद्दौला के साथ क्या किए थे, इलाहाबाद की संधि किए और अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में ही हुआ था, किसके समय में, क्लाइव के समय में। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ, उसके बाद बताया गया श्वेत विद्रोह हुआ था और क्लाइव के द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक लुटेरा राज की स्थापना की गई और क्लाइव एक सैनिक के रूप में जाने जाता था। विलियम पीट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक था, कौन,
क्लाइव जो थे वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक थे। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम जो 1760 से 1763 ईस्वी में सबसे योग्य था और उसकी राजधानी जो थी, ध्यान दीजिएगा, उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया गया और मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में पढ़ने में आपको बिल्कुल आसान होगा, फॉर्मेट समझ में आएगा कि क्या स्ट्रक्चर है और क्या बताया जा रहा है। तो इस तरह से आपको समझना है और सुनते रहना है ताकि इस तरह से आप कंटिन्यूटी अगर पढ़ रहे हैं इस स्ट्रक्चर वे में तो आप आसानी से क्वेश्चन को पकड़ लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो जाएगा। बताया गया है कि पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था और वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया, मुंगेर ले आया और वह मुर्शिदाबाद में एक षड्यंत्र मंत्रालय वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो, इस कारण से उन्होंने दूर रहते थे। उसके बाद मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति से किया। कौन पद्धति से किया था, यूरोपीय पद्धति से। इसके द्वारा मुंगेर में तोपे तथा तोरेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था किया गया और इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए और कुछ न कुछ कर भी उसने लगाए, कर मतलब टैक्स भी लगाए। उसके बाद 22 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाजी दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में क्या कर दिया, परास्त कर दिया यानी हरा दिया और इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में चला गया। युद्ध का जो कमान था वह मेजर हेक्टर मुनरो के साथ चला गया। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मुहर लगा दी और भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद, ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद तक प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली का विजय मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब थे वह मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक, उस समय युद्ध के समय दो नवाब थे, कितने नवाब थे बता दें आपको, अच्छे से समझिएगा, दो नवाब थे और ये दोनों जो थे एक बंगाल के थे और एक दिल्ली थे। बंगाल के जो नवाब थे वह मीर जाफर थे और दिल्ली के जो नवाब थे वह शाह आलम द्वितीय थे। उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि हुआ और इलाहाबाद की दूसरी संधि होता है 17 अगस्त 1765 में होता है। ठीक है, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 में होता है, यहाँ मिस्टेक है, 1765 में हुआ और शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कारा के क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए और शाह आलम को मिल गया है। 12 अगस्त 1765 को फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अस्थाई के रूप में उन्होंने क्या कर दिए, सौंप दिए। 12 अगस्त को क्या किया गया समझिएगा,
कि 12 अगस्त के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया और रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का गवर्नर था। उस टाइम जो थे वह रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल का गवर्नर थे उसी टाइम। दीवानी के रूप में कब बता दिया और अस्थायी रूप से दे दिया, जिसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के गवर्नर था और इसी समय बंगाल में द्वंद्व शासन की शुरुआत हुई थी। द्वंद्व शासन व्यवस्था इसी समय बंगाल में शुरू हुआ था। द्वंद्व शासन व्यवस्था शुरू हुआ और उसमें उप दीवान दो थे, एक बंगाल के और एक बिहार के। बंगाल के जो थे मोहम्मद राजा खान और बिहार के थे राजा सिताब राय। ठीक है, उस टाइम नियुक्ति की और शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा था, उसे अंधा कर दिया गया था और शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दिल्ली पर ना अंग्रेजों का क्या हो गया 1803 में अधिकार हो गया और शाह आलम के दो उत्तराधिकारी बने। एक अकबर द्वितीय और दूसरा बहादुर शाह द्वितीय। अकबर द्वितीय का जो समय था वह 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय का समय था 1837 से 1857। ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए, दोनों के दोनों। उसके बाद इस पेंशन भोगी बन के रह गए और 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त कर लिया गया तथा बर्मा के युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जनजातीय तथा गारो पहाड़ी क्षेत्र में जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के जो लोग थे उन्होंने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक है, और बताया गया कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया गया। तो इस तरह से जो है आपका प्रत्येक दिन या डीएम स्टडी सेंटर में वीडियो 70वीं बीपीएससी की क्लास से प्रारंभ कर दिया गया है, उसकी वीडियो टॉपिक वाइज टॉपिक अपलोड किया जा रहा है। तो सभी लोग क्लास को सुने, अच्छे से समझे और क्वेश्चन बनाने में प्रैक्टिस में लग जाए। तो आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।